कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। संतोष का यही मूल मंत्र सदियों से दोहराया जाता रहा है। आम आदमी को रोटी के साथ दाल मिल जाए तो जीवन और जिंदा दिली दोनों बनी रहती है। लेकिन मुश्किल ये है कि आम आदमी की दाल अब आम नहीं रही है। बाजार में दाल के भाव देखिए। ये दाल जो अरहर रखी है मेरे पीछे, इसके दाम क्या है? दाम ये 150-160 रुपए। अभी आज से महीने भर पहले या दो महीने पहले 120-130 के भाव चल रहा था, इसके पहले 110 था। अब महंगाई हुआ कि पैदावार कम होने के नाते। ये आपका उड़द की दाल है, पहले 90 रुपए किलो था, अभी 120 रुपए किलो चल रही है। एक महीना में दाम इतना चेंज हुआ? जी, एक महीना में 30 रुपए किलो का उछाल आया है। अरहर की दाल है, पहले ये 110 रुपए थी जस्ट एक महीना पहले, अभी के रेट में 150 रुपए किलो होलसेल में बिक रही है। ये चना की दाल है, पहले ये 58 रुपए किलो थी होलसेल में, अभी ये 62 रुपए चल रही है। फिलहाल 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किलो का तेजी आई है। लगभग 25-30 रुपए किलो की तेजी है हर दाल में। अरहर दाल है मेन, मूंग दाल है, राजमा है, काबली चने है, जो मेन दालें आती है सारी, लगभग तेजी है। कितना बड़ा होगा पिछले अगर एक डेढ़ महीने की बात? करीब 10-12% मानो। इस वक्त तो अरहर दाल ही सबसे महंगी है, 160 रुपए किलो, जो 115-120 रुपए किलो थी। हाँ, राजमा भी तेज है, 100-120 रुपए था, 160 रुपए हो गया है, काफ़ी तेज है बाजार। वो दाल पहले करीब 100 रुपए किलो बिक रही थी, अभी 145 रुपए। बाकी दालें तो लगभग बराबर पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ी थी। अब देखिए, अरहर दाल के बढ़े रेट देश भर में असर दिखा रहे हैं। अगर अरहर दाल की महंगाई से लखनऊ, पटना, भोपाल जैसे शहरों के लोग परेशान हैं, तो मुंबई वाले भी दाल के बढ़े दाम की कीमत चुका रहे हैं। महंगाई की दाल वाली मार ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है। जैसे जीने का आदमी लोग ने, हम लोग ने, और खास करके औरत लोग, घर चलाना रहता है उन लोगों को। सोच समझ के मतलब अपने को करना, और महंगाई तो पूछो ही मत, आसमान छू रहा है महंगाई के हिसाब में। अभी मैं भाव सुन के ही मतलब मैं नहीं ली कि मतलब इतना अभी लेंगे फिर कैसे आगे तक चलेगा। थोड़ा कम करे कि इंसान खा सके, गरीब है जो भी है, मतलब उनके बजट में भी तो होना चाहिए ना। तो महंगाई कम करना चाहिए, जरूरी है सरकार को कि महंगाई जो इतना है ना वो कम होना चाहिए। मैं दालें लेने आई थी तो हर चीज़ का बजट इतना ऊपर गया। आप ये देखिए, राजमा जो 100 रुपए किलो हुआ करता था 160 रुपए किलो है, आधा किलो यानी कि 80 रुपए के आएंगे, तो घर में एक बार या दो बार बन पाएंगे, तो हर चीज़ महंगी। चले आम पब्लिक जो दाल रोटी खाती थी उनके लिए देखिए कि आराम से वो दाल रोटी खा सके, सब्जियाँ की रेट थोड़ी डाउन हो जिससे कि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। अब दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, बेतुकी बात। बिल्कुल सर, वो बेतुकी बात है, थोड़ा सा देखें आम पब्लिक को भी, इवन बेसिक चीज को देखें। डबल हो गए सब चीजों की, इतनी महंगाई हो गई कि आदमी का बजट जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। किचन का जो माहौल था वो बिगड़ गया, तो बहुत बिगड़ गया, मतलब वो संभाल ही नहीं रहा लेडीज लोग। नहीं, कम होना चाहिए, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उस हिसाब से और भी कम होना चाहिए। अब देखिए, कीमतें दूसरी दालों की भी बढ़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अरहर दाल पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। लोकल सर्किल्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बड़ा सर्वे किया है, इसकी रिपोर्ट बताती है। अब आपको हम एलईडी में ग्राफिक्स दिखाएंगे, उसके जरिए आप देख सकते हैं क्या बताती है। 40% लोग दाल की महंगाई से परेशान है। इस सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट आई है वो हम आपको बता रहे हैं। 27% लोगों ने इस्तेमाल जो है वो अब घटा दिया है, यानी कि कम कर दिया है जो इस्तेमाल है। 50% लोगों ने इस्तेमाल बंद कर दिया है। तो देखिए, इसमें 5% लोगों ने इस्तेमाल बंद कर दिया है अरहर दाल की महंगाई, 5% लोगों ने इस्तेमाल बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं, तो आपको एलईडी के जरिए जो ग्राफिक्स हम दिखा रखे हैं, किस तरह से महंगाई की मार अरहर दाल को लोगों की थाली से दूर कर रखी है। और जाहिर है कि आम लोग इससे परेशान है, तो दूसरी तरफ खुदरा दुकानदार है, दाल की महंगाई ने उनके मुनाफे का गणित भी बिगाड़ दिया है। जो लोग हैं वो असर पड़ा है ग्राहकों पर, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जैसे जो एक किलो लेने का वो पाव किलो, आधा किलो लेता है। ग्राहक तो काफी कम हो गए हैं क्योंकि वो लोग भी अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, और फिर जब प्राइस भी हमारी तरफ से भी बढ़े जा रहा है तो उसकी वजह से वो लोग भी हमको ही चिल्ला रहे कि अभी दो दिन पहले लिया था अभी और 20 रुपया बढ़ गया, लेकिन प्राइस तो हमको भी प्राइस बढ़े हुए आ रहा है। इसमें हम लोग की नफा खत्म हो गई और रेट वही आ रहे हैं,
मतलब महंगाई तो मारी मरी रही है, हम लोग की कमाई कम हो गई। तो एबीपी न्यूज के रिपोर्ट्स की पड़ताल में साफ हो गया है कि अरहर दाल के भाव थोक मंडी में भी सस्ते नहीं है। जाहिर है कि असर खुदरा मार्केट पर भी पड़ रहा है और आंकड़े ये बताते हैं कि दाल के दाम में उछाल का पूरा खेल दो महीने के भीतर हुआ है, क्योंकि साल के शुरुआती तीन महीने में भी दाल का रेट खुदरा महंगाई दर से भी कम था। देखिए अब आपको दिखाते हैं दो महीने में बदला खेल। जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर जो थी वो 6.52% थी, दाल की महंगाई दर 4.27% थी। ये दो महीने में जो खेल बदला है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फरवरी 2023 में 6.44%, 4.9% दाल की महंगाई दर ये रही है। तो देख सकते हैं दो महीने में जो ये खेल बदला है उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। मार्च 2023 में 5.66% खुदरा महंगाई दर और दाल की महंगाई दर की बात करें तो 4.33%। अप्रैल में 2023 में 4.70% महंगाई दर और दाल की महंगाई दर 5.28% और मई 2023 में 4.25% और 6.56% दाल की महंगाई दर। ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, दो महीने में जो खेल बदला ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये आंकड़े बताते हैं कि फिगर्स में महंगाई दर बेशक घटा हो लेकिन दाल के दाम में कोई राहत नहीं मिली है। व्यापारियों का कहना है कि दालों को खासकर अरहर दाल की कीमत बढ़ने के पीछे कालाबाजारी और सट्टेबाजी भी एक बड़ी वजह है। इतना दाम अरहर का कैसे बढ़ गया, क्या कारण लग रहा है? जमाखोरी हो रही है या सप्लाई कम हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए सप्लाई भी कम है और थोड़ा बहुत जमाखोरी का भी बात आता है। अब जहाँ तक कि पहले लोग रिटेल काम करते थे, अब इसमें बड़े बड़े पूंजीपति लोग का इसमें इन्वॉल्व हो गया है। व्यापारी यही कहते हैं कि भैया जो बिना मौसम बरसात पड़ी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी जो तेजी का कारण है, जो फसल जो है इस साल जो है कमजोर है, पिछले साल के मुकाबले जो इस साल फसल जो है 35% है। हालांकि हरर जो है काफ़ी स्टेटों में होती है, महाराष्ट्र में होती है, इंदौर में होती है, बिहार में होती है, यूपी में होती है। इसकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो है बाकी आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में हरर का जो है काफ़ी ज़्यादा खपत है और उस डिमांड और सप्लाई जो पूरी ना होने के कारण जो है मुख्य कारण है तेजी का। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, हर एक की होल्डिंग ना हो और हमें स्टॉक जो है बताने के लिए गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्टर CAPD ने हमें यहाँ पे पूरा मीटिंग भी की थी और हमने सारे स्टॉक जो है अपलोड कर दिए हैं और हर एक की जानकारी जो है गवर्नमेंट को दे दी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर रहा है कि जो होल्डिंग ना हो। हो सकता हो इस साल पैदावार कम हुई हो और जी भर के खूब काला बाजारी हो रही है। और देखिए अब आपको बताते हैं किन किन शहरों में महंगाई बढ़ी है। ये तस्वीरें आप देखेंगे अपने पीछे, तीन महीने में जो बिगड़ा हाल है लखनऊ में देख सकते हैं। 28 मार्च 2023 में 100 रुपए किलो, 29 जून 2023 में 150 रुपए किलो, ये लखनऊ का हाल। अब पटना का हाल जानिए, 28 मार्च 2023 में 111 रुपए किलो, 29 जून 2023 में 150 रुपए किलो। ये आपको हम शहरों का हाल बता रहे हैं। भोपाल की बात करें तो 28 मार्च 2023 में 116 रुपए किलो, 29 जून 2023 में 140 रुपए किलो। अब बात करें जम्मू की, 28 मार्च 2023 में 80 रुपए किलो, 29 जून 2023 में 130 रुपए किलो। ये दाम हम आपको बता रहे हैं कैसे उछाल किया, अलग अलग शहरों के बारे में आपको बता रहे हैं कैसे अरहर दाल में उबाल आया और तीन महीने में जो हाल बिगड़ा वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं।